अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तंदूरी ग्रिल चिकन टिक्का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चिकन के पीसीज हैं मेरे पास, थाई पीसीज हैं। इनको मैंने कट लगा लिया इस तरह से, और ये एक ब्रेस्ट पीस है, इनको हम कट लगाएंगे। इसके अंदर ये 4 टेबलस्पून दही है, दही डालेंगे हम। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। वन टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून पिसा धनिया पाउडर डालेंगे, वन टीस्पून नमक डालेंगे हम, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कुटी काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे, 1/4 टीस्पून फूड कलर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसका। और इसे मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम इसे। ये देखें, इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है। ये मिक्स हो गया है। दो से तीन घंटे के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे। दो से तीन घंटे हो गए, ये अच्छी से मैरिनेट हो गया। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। ये मेरे पास ग्रिल पैन है, इसके ऊपर हम 2 टेबलस्पून ऑयल लगाएंगे, और इस तरह से एक एक पीस करके हम इसके ऊपर रखेंगे ग्रिल पैन पे। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। जो इसका बाकी बचा हुआ मसाला है वो हम इस पे डाल देंगे सारा। और इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। हम इसे कवर करेंगे। 5 मिनट हो गए, इसका हम ढक्कन हटाएंगे और इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। नीचे की साइड को हम ऊपर लेके आएंगे। ये देखें, फाइव मिनट्स के लिए हम इसे दोबारा कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। अब हम इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करेंगे। इस तरह से हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे और इसे दोबारा इसकी साइड टर्न कर देंगे हम। जो ऑयल लगाया उसकी साइड हम नीचे करेंगे, अच्छे से कलर आ जाए इस पे। इसे कवर करेंगे 2 मिनट्स के लिए और। ये देखें, ग्रिल चिकन हमारी तैयार हो गई है, चिकन टिक्का। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है इसके ऊपर। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है चिकन टिक्का। अब इसे डिश में निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये बहुत ही झटपट बन जाता है तंदूरी ग्रिल चिकन टिक्का। ये देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया, और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनी है। आप लोग इसको बॉयल राइस के साथ या रोटी के साथ, पराठों के साथ आप इसे खा सकते हैं।
माय कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।